हेलो गाइस, आई एम योर होस्ट आलियान फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पीच वीज़ा कंसल्टेंट बहुत से स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन करते हैं कि वो यूके जाके फ्री में एजुकेशन कैसे हासिल कर सकते हैं सो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में जिसमें आपके ग्रेड्स से ज़्यादा आपकी पोटेंशियल एंड आपकी लीडरशिप स्किल्स मैटर करती हैं तो हमारी ये आज की वीडियो चीवनिंग स्कॉलरशिप के ऊपर है जिसमें मैं आपको इसके बेनिफिट्स का बताऊंगी इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हम इस वीडियो में इसमें अप्लाई करने की डेडलाइंस को देखेंगे इसके अलावा हम और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें व्यूअर्स चिमनी स्कॉलरशिप आपको मास्टर्स के प्रोग्राम्स में ऑफर की जा रही है जो कि यूके की गवर्नमेंट की तरफ से फुली फंडेड है इसमें आपके पास मिनिमम बैचलर्स की डिग्री होना जरूरी है आप इस स्कॉलरशिप में मिनिमम सी जी पी ए अपलाई कर सकते हैं जैसे कि आई टोल्ड यू आपकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आप ना सिर्फ स्कॉलरशिप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं बल्कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम टू इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो फुल टाइम भी हो सकता है पार्ट टाइम भी हो सकता है अगर आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है पेड है अनपेड है या आपने एज अ वॉलंटियर वर्क किया हुआ है तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और जो स्टूडेंट्स अपनी डिग्री के साथ साथ जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा क्योंकि जब उनकी डिग्री कंप्लीट होगी तो उनके पास काफी वर्क एक्सपीरियंस आ चुका होगा इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आप किसी भी यूके की तीन यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक like, आपको प्रायोरिटी सेट करनी होती है लाइक like, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको एक ही यूनिवर्सिटी रखनी होती है देन सेकंड पे देन थर्ड पे लाइक like, अगर आपका फर्स्ट में नहीं होता तो सेकंड पे हो जाता है सेकंड में नहीं होता तो आपको थर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है और यूनिवर्सिटीज आपको वो सिलेक्ट करनी होती हैं जिनकी क्लासेस सितंबर इनटेक में स्टार्ट हो रही होती हैं देन इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके आपको रिजल्ट का वेट करना होता है कि आपकी इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई है हर साल पाकिस्तान से 40 टू 50 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए जाते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए जिनमें फीमेल्स की तादाद भी बहुत ज्यादा होती है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको कोई अपलिकेशन फीस नहीं देनी पड़ती आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं अब हम आते हैं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर तो इसमें जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी जो कंट्री है वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होनी चाहिए जैसे कि पाकिस्तान एलिजिबल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है कि आपको कमिट करना होता है कि आपकी स्कॉलरशिप एंड होने के बाद आप दो साल तक यूके नहीं आ सकते उसके अलावा अगर आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बट आप टू ईयर्स तक यूके नहीं जा सकते और तो और आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए अपनी जॉब से रिज़ाइन भी नहीं देना पड़ता इसके बेनिफिट्स को देखें तो इसमें आपकी ट्यूशन भी फुली वेबडो हो जाती है इसके अलावा आपको एयरफेयर टिकट्स प्रोवाइड की जाती हैं इसके अलावा आपको डिपार्चर अलाउंस दिया जाता है और टी टेस्ट के फैसिलिटीज़ भी होती हैं अगर रिक्वायरमेंट हो तो इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है आपको और अगर आप वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उसके लिए भी अलग से अलाउंस दिया जाता है इसके अलावा जो आपको ईयरली स्टाइपेंट दिया जाता है वो थ्री थाउजेंड तक रेंज करता है सबसे बड़ी बात इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं होती आपकी एज थर्टी फाइव है फोर्टी है फोर्टी फाइव है किसी भी एज के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं इजीली अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके उसमें अप्लाई करना होता है देन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर आता है यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद आप चीवनिंग स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो के चीवनिंग डॉट और आपको जो एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं और आपको यूनिवर्सिटी से अनकंडीशनल ऑफर लेटर आना जरूरी होता है और एक मोटिवेशन लेटर आपको सबमिट करना होता है जिसमें कि आप मैंशन करते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं आप में क्या एबिलिटीज हैं लीडरशिप स्किल्स हैं कि आपको स्कॉलरशिप में सेलेक्ट किया जाए देन अपनी अपलिकेशन को सबमिट करते हैं देन आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है डेडलाइंस को देखिए तो जो अपलिकेशन आपकी स्टार्ट हो रही हैं वो सिक्स ऑफ अगस्त ट्वेंटी में स्टार्ट हो रही हैं आप छह अगस्त से आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और जिसमें अप्लाई करने की डेडलाइन आपकी है वो फिफ्थ ऑफ नवंबर ट्वेंटी है इस ड्यूरेशन के बीच में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं देन मिड ऑफ द फैब में आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है एंड देन जो आपका रिज़ल्ट है वो जून के मंथ में आ जाता है अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको पता चल जाता है और आपकी सिलेक्शन होने के बाद आपको एटलीस्ट एक यूके की यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर सबमिट करवाना होता है जिसकी डेडलाइन इलेवंथ ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव है आपको इस डेट से पहले पहले अपनी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर uh, सबमिट करवाना होता है कि आपका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका हुआ है आप इस यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स को कंटिन्यू करेंगे अगर आप में भी लीडरशिप अपिलिटीज हैं और आप कुछ बनना चाहते हैं तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप आई होप आपको इस वीडियो से काफी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा रखियेगा